आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर हैं। 3 दिन के दौरे पर आप दिल्ली पहुंचे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को विज्ञान भवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विज्ञान भवन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की अगुवानी की। इससे पहले लॉयड ऑस्टिन ने आज सबसे पहले दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और यही तस्वीरें आप 4 देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त भारत और अमेरिका दोनों की तरफ से संयुक्त साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा आपको सुनवाते हैं। देवी और सज्जनों, सेक्रेटरी ऑस्टिन की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा में उनका स्वागत करना मेरे लिए एक बड़े सम्मान और खुशी की बात है। मैंने सेक्रेटरी ऑस्टिन के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उनसे बात की थी। हमारी बातचीत के दौरान मैंने उन्हें सुविधानुसार भारत आने को आमंत्रित किया। महामारी के लगातार खतरों के बावजूद उनकी यह भारत यात्रा हमारे रक्षा संबंधों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सेक्रेटरी ऑस्टिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और फ्रूटफुल वार्ता हुई है। हम भारत अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पूरी क्षमता को रियलाइज करने के लिए डिटरमिंड हैं। हमारी आज की बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पर केंद्रित थी। हमारे बीच कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की समीक्षा की तथा हम इंडियन मिलिट्री और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमारे बीच लेमोवा, कॉमकासा और बेका समझौते हो चुके हैं। यह स्वीकारते हुए हमने उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर भी चर्चा की है। मैंने एयरो इंडिया 2021 में अमेरिकी उद्योग की भागीदारी के लिए सेक्रेटरी ऑस्टिन को अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। मुझे उम्मीद है कि यूएस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स रक्षा में भारत की लिबरलाइज्ड एफडीआई पॉलिसी का लाभ उठाएंगे। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि रक्षा उद्योग में सहयोग के अवसर हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हाल में हुए फर्स्ट लीडर समिट ने फ्री, ओपन और इनक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने के हमारे संकल्प को दोहराया है। हमारी चर्चा के दौरान हमने कुछ गैर पारंपरिक चुनौतियों जैसे कि तेल रिसाव और पर्यावरणीय आपदाओं, नशीले पदार्थों की तस्करी और इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग आदि को संबोधित करने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता भी महसूस की है। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं एक्सलेंसी, जिससे भारत अमेरिका रिलेशंस का 21वीं सदी को परिभाषित करने वाली एक नई भागीदारी बनाई जा सके। धन्यवाद।